साई करुणा मिशन और डॉक्टर उपदेश की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में आप सभी को हार्दिक स्वागत। और सत्र के सेशन में सब्जेक्ट में आगे जाए, आज का सब्जेक्ट का नाम है यूनिवर्सल माइंड। हाँ, यूनिवर्सल माइंड बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा एक नया गाइडेंस हमें मिलने वाला है। इस नए गाइडेंस को अच्छी तरीके से हम अपने अंदर उतार पाए, जीवन में अमल कर पाए, इसके लिए आइए हम तैयार होते हैं एक छोटे से मेडिटेशन करके, छोटे से रिलैक्सेशन में हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं और पूरी शक्तियां इस मन में जुड़ते हैं। रिलैक्सेशन के लिए तैयार? प्लीज क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पे, पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे। लंबी गहरी सांसें, और इसी सांसों के साथ अपने चित्त को जोड़ दीजिए, अपना मन सांसों के साथ अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. कल्पना कीजिए हर अंदर जाती हुई सांस के साथ आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है और बाहर निकलती हुई सांस के साथ आपका मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है और मन शांत हो रहा है। शांत मन में हम छोटी सी प्रार्थना करें अपने ही भगवान को, अपने इष्ट देव को। हे ईश्वर, आज के सत्र में डिवाइन सोर्स की ओर से, गुरु गॉड मास्टर्स की ओर से आने वाले सभी गाइडेंस, मार्गदर्शन, संकेत, संदेश, नॉलेज, विजडम इन सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से समझ पाऊं, ग्रहण कर पाओ और जीवन में इसी गाइडेंस का उपयोग कर अमल कर आध्यात्मिकता की राह में आगे बढ़ने का सामर्थ्य प्रदान करें।
हे ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ताकि हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे और आगे और आगे बहुत ही तेजी से सफर कर पाए। मान लो ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है और आपके साथ सुरक्षा कवच के रूप में हाजिर हो चुके हैं। जैसे ही आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी है, बहुत ही प्यारे से वंदन के साथ प्रेम से मुस्कुराते हुए धन्यवाद करते हुए आइए हम इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हो। आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए सत्र में। आज का सब्जेक्ट है यूनिवर्सल माइंड। हाँ, माइंड के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, डिस्कशन किया है, जाना है, नॉलेज प्राप्त किया है, बहुत से एक्सपीरियंसेस किए हैं, बहुत से रिजल्ट पाए हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है यूनिवर्सल माइंड बिल्कुल हटके है, इतना सुंदर है, इतना गहरा है और इमीडिएट मैनिफेस्ट करने की एक ट्रिक है जो सर ने हमें बताई है, जो सर ने आप सबको बताने के लिए एक सुंदर सा मैसेज आज दिया है। यूनिवर्सल माइंड, जैसे यूनिवर्स हम जानते हैं कि पानी, अगर हम सोचे तो एक ग्लास पानी भी हम सोच सकते हैं, मटका सोच सकते हैं, कोई तालाब सोच सकता है, कोई सरोवर, कोई नदी, कोई सागर, कोई महासागर। पानी कहाँ कहाँ है, बहुत सारी जगह में है, लेकिन महासागर और सभी महासागरों से भी कुछ ज्यादा, बहुत कुछ ज्यादा वो क्या है, वो है हमारा यूनिवर्स, वो है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स अनलिमिटेड है, यूनिवर्स इतना विशाल है जिसको हम नाप भी नहीं सकते, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसकी बढ़ावा डे बाय डे और बढ़ता जाता है। इतना प्यारा सा, इतना अमाप, अनलिमिटेड यूनिवर्स हमारे साथ है, हमारे पास है। जो यूनिवर्स में वो जो ताकत है, वो जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा से हमें अलाइन होना है, वो ऊर्जा से हमें अपने माइंड को अट्यून करना है। तो वेरी मच इजी कॉन्सेप्ट है जो हम कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, डिवाइन माइंड तक हमने बात कर दी है। अब हम जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स माइंड, जो यूनिवर्सल माइंड के साथ अगर हमें अलाइन करना है, तो आजकल बहुत एक जो मार्केटिंग हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो मार्केटिंग हो रहा है उसी के जरिए हम स्पिरिचुअल मार्केटिंग भी करेंगे। हाँ, इसी के जरिए हम स्पिरिचुअलिटी में कनेक्शन और अलाइनमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए, और ये अलाइनमेंट के लिए हमें बिल्कुल क्लेरिफाई होने की जरूरत है हमारे माइंड में। पहले तो ये माइंड को पूरी तरह से क्लेरिफाई करना है, बिल्कुल सचोट कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे, मतलब जो चाहिए उसका बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हमारे माइंड में अगर होता है, तो वो डायरेक्टली यूनिवर्सल माइंड के साथ हमें एक
बहुत छोटा सा सिंबल है, आज आज हम आपको और एक सिंबल देने वाले हैं जो फ्री में है, यूनिवर्सल माइंड के लिए है। वो सिंबल के साथ हमें कनेक्ट होना है, और जैसे ही हम कनेक्ट हो जाएंगे तो फटाफट यूनिवर्सल माइंड से वो हमारे अंदर डाउनलोड होने लगेगा। जैसे हम मोबाइल में कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो नेट की जरूरत होती है, वाईफाई की जरूरत होती है, पासवर्ड की जरूरत होती है, और फटाफट डाउनलोड हो जाता है। ऐसे ही एकदम इजीली जो डाउनलोड हमें करना है वो है यूनिवर्सल माइंड से करना है। इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक हमारी जो डिजायर है, हमारी जो सपने है, एम्बिशियस है, जो एम है, वो बिल्कुल स्पेसिफाई होने चाहिए। क्या चाहिए वो एक बार स्पेसिफाई हो गया तो मान लीजिए डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्सल माइंड से, क्योंकि वहां पे अबंडेंस में सब कुछ है। जैसे हम होटल में जाते हैं, बिल्कुल तय करते हैं कि आज मुझे कितनी भूख है, बहुत सारी भूख है, तो ऐसे हम खाना ऑर्डर करते हैं। छोटी सी थोड़ी सी भूख है तो सिर्फ सूप और स्टार्टर से चला लेते हैं, एक रोटी सब्जी से चला लेते हैं। तो ऐसे कितनी भूख है, कितनी डिजायर है, वो एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से हमें सोच के रखनी है, लिख के रखनी है, अपने माइंड में क्लियर करके रखनी है भूख कितनी है, मतलब कि डिजायर कितनी है। फिर हम सोचते हैं बहुत सारे फील्ड है होटल में, बहुत सारे मेनू के अंदर कैटेगरी होती है, हमें क्या पसंद है, साउथ इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना है, पंजाबी, चाइनीज, क्या कुछ खाना है, मतलब हमारी चॉइस क्या है, क्योंकि यूनिवर्सल माइंड में अबंडेंस चॉइसेस है, उसमें से हमें चूज करना है कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए ये दो पॉइंट हमारे पास आज माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरी भूख क्या है और मुझे कौन सी डिशेस चाहिए, कौन सी कैटेगरी की भूख है, कौन से कैटेगरी के सपने हैं मेरे जो मुझे अचीव करने हैं। तो अगर ये दो बात हमारे अंदर हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो गई तो उसके आगे एक छोटा सा सिंबल लगाना है जो आजकल डिजिटल मीडिया पे मार्केटिंग में यूज होता है, और दैट इज हैशटैग। हैशटैग हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी वर्ड के आगे अगर हम हैशटैग लगा लेते हैं तो वो एक आईक्लाउड में जाता है। हैशटैग लगा लेते हैं उसके पीछे जो भी नाम रहेगा वो नाम का एक पर्टिकुलर आईक्लाउड होता है यूनिवर्स में। जैसे तो यूनिवर्स में हर चीज का, हर फ्रिक्वेंसी का आईक्लाउड है। वो आईक्लाउड में हमें जाने के लिए, वो आईक्लाउड को हमारे अंदर डाउनलोड करने के लिए उसके आगे हैशटैग लगाना जरूरी है। जैसे ही हम हैशटैग लगाते हैं वो वर्ड हम वो वर्ड से जुड़ी हुई कितने सारे पूरी दुनिया में जिन्होंने भी उस पे हैशटैग फैशन कर दिया, तो फैशन शब्द जिसने भी डाउनलोड किया, जिसने भी प्रिंट किया है, टाइप किया है, कुछ भी अपलोड किया है, तो वो फैशन वाला सब कुछ पूरे आई क्लाउड आपको दिखने लगेगा, आपके अंदर डाउनलोड होने लगेगा। तो ऐसे ही हमें क्या चाहिए उसके आगे एक बार स्पेसिफाई करके उसके आगे हैशटैग लगा लेना है। हैशटैग लगाओगे, हैशटैग हैप्पीनेस, हैशटैग जॉय, हैशटैग सक्सेस, हैशटैग एजुकेशन, हैशटैग मनी, राइट, हैशटैग हाउस, या तो जो भी आपको चाहिए, ये हैशटैग शांति, हैशटैग पीस, हैशटैग स्पिरिचुअलिटी, हैशटैग गुरु, हैशटैग रिट्रीट, अगर हम रिट्रीट में जाना चाहते हैं, कोई बाधा आ रही है तो हैशटैग स्पिरिचुअल रिट्रीट, हैशटैग मेडिटेशन, हैशटैग ब्रह्म मुहूर्त, हैशटैग एक्सरसाइज, योगा, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हम कितना भी कितना एक पूरा लिस्ट भर सकता है जो हमें चाहिए, और इसके आगे एक छोटा सा सिंबल अगर हमने लगा लिया तो वो आज तक जिन्होंने भी वो वर्ड का यूज किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, रिजल्ट लिया होगा, वो सब की एनर्जी, वो सब के आईक्लाउड में है, वो आईक्लाउड हमारे साथ जुड़ जाएगा और हमारे अंदर उनको हम डाउनलोड कर पाएंगे वेरी मच इजी एंड
effortlessly, very quick process है. Hashtag मतलब एकदम quick process है cloud से download करने के लिए. तो इसी तरह से हमें एक छोटा सा homework भी करना है कि daily hashtag लगा के, hashtag आप सबको मालूम है दो ऐसे लाइन पर क्रॉस लाइन रहती है, that is hashtag. Hashtag के पीछे रोज पॉजिटिव 10 वर्ड हमें लगाने हैं. That is small exercise, small homework. और वो भी अगर रात को सोने से पहले अगर हम hashtag joy, hashtag happiness, hashtag health, wealth, prosperity क्या चाहिए, जो चाहिए उसके अगर hashtag लगा ले, hashtag करके वो शब्द हम बोले 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 तो वो iCloud में जाएगा. यूनिवर्सल iCloud में जैसे ही जाएगा, आज तक जिन्होंने भी उसको पाया है, रिजल्ट लिया है, वो सबकी एनर्जी का एक छूत होता है, एक क्लाउड होता है, पूरी की पूरी शक्ति हमारे साथ, हम अलाइन हो जाएंगे उससे. तो बस इतना छोटा सा वर्क, इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें करना है. और भूल से भी जैसे हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, सक्सेस है, पीस है, जॉय, हैप्पीनेस, मिरेकल, अबंडेंस, सब का क्लाउड होता है. ऐसे ही सब फ्रीक्वेंसी का क्लाउड होता है. तो हमें बुरी बातें या तो रोग की या तो कोई अनसक्सेस की, फेलियर की, एक्सीडेंट की, ऐसी अनवांटेड कोई भी बातें अगर हम करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी के आईक्लाउड से हम जुड़ जाएंगे और वो डाउनलोड होने लगेगा. समझ लीजिए जितना इजी हम अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इतना ही इजीली हम ये फ्रीक्वेंसी को भी पार लेंगे. अगर हमने वो अप शब्द का यूज किया, अगर हमने वो गलत वर्ड का यूज किया, अगर हमने गलत इवेंट को, सिचुएशन को मन में कल्पना की, तो वो आई क्लाउड से भी जुड़ने की शक्यता है. और तभी हम फंस जाएंगे, गलत सिचुएशन को हम अट्रैक्ट कर लेंगे. तो गलत सिचुएशन को न अट्रैक्ट करके अच्छे सिचुएशन में, अच्छे सरकमस्टेंसेस हमारे लाइफ में आए, हमारे लाइफ में अच्छे अच्छे इवेंट बने, अच्छे अच्छे रिजल्ट बने, इसके लिए हैशटैग लगाना है. तो आज से हम पॉजिटिव वर्ड बहुत सारे खोजेंगे, हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, वो सब हम एक माइंड में क्लियर करेंगे. और क्लियर करने के बाद उसके आगे सोच लीजिए हैशटैग लगा दिया है. बोल भी सकते हो हैशटैग सक्सेस, हैशटैग हैप्पीनेस, हैशटैग जॉय, पीस, अबंडेंस, मिरेकल, जो कुछ भी चाहिए. हैशटैग यूएसए वीजा, हैशटैग हाउस, हैशटैग प्रमोशन, हैशटैग जॉब, जो कुछ भी चाहिए, क्योंकि सबको अलग अलग चाहिए, क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अनलिमिटेड है. तो हमें क्या चाहिए उसको सिर्फ माइंड में क्लियर करना है, और क्लियर करके उसके आगे हैशटैग लगा दीजिए. इमीडिएटली आई क्लाउड से हम अट्यून हो जाएंगे, वो आई क्लाउड से वो हैशटैग की मार्केटिंग के जैसे ही हमारे अंदर पूरी की पूरी ऊर्जा, शक्ति, वो सब हमारे अंदर आ जाएगी. इतना बढ़िया एक्सरसाइज है, इतना सुंदर है, इतना इजी और बहुत ही क्विक मैनिफेस्टेशन वाला ये पॉइंट है जो हमें करना चाहिए. और हम बिल्कुल रेडी है करने के लिए, तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेशन में जाके करेंगे, ताकि हम बिल्कुल स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो पाए और वो आई क्लाउड को हम अपने अंदर डाउनलोड कर पाए. तो मेडिटेशन के लिए हम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं. और अपने अपने माइंड में एक क्लियर कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए. वो जो 4-5 पॉइंट जो चाहिए, वो कोई भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आपकी हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आपके छोटे छोटे सपने हो, छोटे छोटे कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है. अगर हैशटैग सरेंडर कर लिया, तो आज तक जिन्होंने भी बड़े बड़े महात्माओं, बड़े बड़े संतों ने सरेंडर किया है,
वो सरेंडर की एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाएगी और हम इजीली सरेंडर कर पाएंगे। हम जो नहीं कर पाते हैं उसके आगे हमें हैशटैग करना है तो बहुत फास्ट ये हम कर पाएंगे, बहुत फास्ट हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये बात है, इतनी छोटा पॉइंट है लेकिन इतना गहरा है, इतना सुंदर है। आप लिख भी सकते हो, आप अपने माइंड में एक बार सोच के क्लियर भी कर सकते हो। हम गाइडेड मेडिटेशन में जाएंगे और मेडिटेशन में हम वो आई क्लाउड को अपने अंदर पूरी तरीके से डाउनलोड करेंगे ताकि हम बहुत इजी तरीके से वो बिल्कुल बिना विघ्न हम उसके साथ यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट हो पाए। तो आइए हम मेडिटेशन में कर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत ही क्विक मैनिफेस्टेशन का ये प्रयोग हम करेंगे। तो आइए हम तैयार मेडिटेशन के लिए। Please sit in comfortable position. गहरी सांस लेते लेते और मेडिटेशन में अगर इमीजिएटली आपको जो भी वर्ड आता है, जो भी फीलिंग आती है उसके आगे हैशटैग लगा दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, क्योंकि भगवान गुरु आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए। इमीजिएटली इंट्यूटिवली आपको जो आता है उसके आगे हैशटैग लगा दीजिए। सो प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन। बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन के लिए तैयार। क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। लंबी गहरी सांस। सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर जा रही है, और बाहर आ रही है। सांसों की इसी आवन जावन की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते रहिए। धीमी गहरी और स्वाभाविक सांस। और हर अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर में रिलैक्सेशन के स्पंदन को फैला रही है। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ आपका शरीर और भी गहराई में, और भी गहरी रिलैक्सेशन की स्थिति में जा रहा है। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए ये रिलैक्सेशन का स्पंदन आपके शरीर में प्यारी सी गुदगुदी कर रहा है। कल्पना करें हल्का सा स्पंदन आपके दोनों पैरों को टच करता हुआ
दोनों पैरों को, तलवों को सहलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो और देखिए आपकी दोनों पैरों की उंगलियां, फुट, एड़ी शिथिल हो रहे हैं। और ये हल्का सा स्पंदन धीरे धीरे आपके एंकल्स को शिथिल करता हुआ काफ मसल्स में फैल रहा है। और अनुभव कीजिए आपके दोनों काफ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। शिथिल हो चुके हैं। धीरे धीरे आपके दोनों घुटनों में भी इस स्पंदन ने घूमना चालू कर दिया है। फील कीजिए आपके दोनों घुटन, नी मसल्स पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं। रिलैक्सेशन के साथ साथ हील हो चुके हैं। धीरे धीरे ये स्पंदन को आगे बढ़ता हुआ आपकी थाई मसल्स में फैलता हुआ अनुभव करे। जैसे ही दोनों थाई मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्सेशन का ये स्पंदन दोनों हिप बॉल को रिलैक्स करता हुआ आपके कमर के एरिया में, स्टमक के भाग में फैल रहा है। और शिथिल कर लिया है। रिलैक्सेशन का ये स्पंदन अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आगे पीछे दोनों बाजू से। चेस्ट के एरिया में और अपर बैक के एरिया में फैल रहा है। आपकी स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। आपका चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स अनुभव करें। रिलैक्सेशन की इस स्पंदन को आपके गले के भाग में फैलता हुआ, शिथिल करता हुआ दोनों भुजाओं में फैल रहा है। देखते ही देखते आपके दोनों हाथों शोल्डर से लेकर
की हथेली, उंगलियां, नाखून तक रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्सेशन का ये स्पंदन, अब देखिए आपके फेशियल मसल्स में फैल रहा है, गले के ऊपर चढ़ता हुआ, आपकी चिन, चिक, नोज, लिप्स, आईज, ईयर्स, फोरहेड, आपके माथे के भाग को भी पूरी तरह से कवर कर लिया है। बालों से लेकर पग की उंगलियां तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है, हल्का हो चुका है, शांत हो चुका है। जैसे ही शरीर रिलैक्स, मन बिल्कुल विचार शून्य, शांत और गहराई में जा रहा है। आपका मन, मन की उसी गहराई अवस्था में जा चुका है जहां से बहुत ही आसानी से हम ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ सकते हैं, इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। यूनिवर्सल माइंड जो अबंडेंस पावर से भरा है, अनलिमिटेड ऊर्जा से भरा है, अनगिनत आई क्लाउड से भरा है, हर एक फ्रीक्वेंसी की आई क्लाउड यूनिवर्स में मौजूद है। वो यूनिवर्स आज पूरी तरह से तैयार है हमारे इस माइंड में जो फ्रीक्वेंसी चाहे उसको डाउनलोड करने के लिए। ईश्वरीय शक्ति को आवाहन करें, इष्ट देव का आवाहन करें, अपने गुरु का आवाहन करें, साईं बाबा का आवाहन करें, महावतार बाबा का आवाहन करें, उदय सर का आवाहन करें, और सभी हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सभी देवी शक्ति का आवाहन करते हुए
हम अपने आप को उसी यूनिवर्सल माइंड से, उसी यूनिवर्सल माइंड में जो आई क्लाउड है उससे जुड़ने के लिए हम तैयार, सोचे आज ईश्वर ने हमें 5 वरदान देने के लिए सोचिए, ईश्वर तैयार है, यूनिवर्स तैयार है वो 5 वरदान देने के लिए हमें क्या चाहिए, उनके अगाध खजाने में सब कुछ है, जो आपको चाहिए वो सब कुछ है, चूज हमें करना है, सिलेक्ट हमें करना है, पसंदगी हमें करनी है। और वो आई क्लाउड की एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, एक सिंबल है, बहुत ही छोटा सा सिंबल, हैशटैग, जिससे हम उस आई क्लाउड से अपनी मनगमती मनपसंद चीज को, सपने को साकार कर सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड तैयार है, बिल्कुल फ्री ये स्कीम है। आज हमें 5 चीजें प्रेफरेंस के हिसाब से जो चाहिए उसको मन में सोचना है, प्रॉपर वर्ड का प्रयोग करना है, शब्द जो पॉजिटिव होने चाहिए, और इसके बारे में हमें डाउनलोड होते हुए देखना है, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर एक स्टूडेंट को अच्छे नंबरों से पास होने की ख्वाहिश है तो वो पहले से देखे अपना डेस्टिनेशन, हैशटैग 93% या जो भी चाहिए हैशटैग, उसके पीछे जो डेस्टिनी, जो फाइनल रिजल्ट, और फिर आई क्लाउड से डाउनलोड होता हुआ पूरा प्रोसेस हम देख सकते हैं। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम पूरी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, और फाइनली उसके हाथों में 93% वाला रिजल्ट अपने हाथ में, हैशटैग के पीछे डेस्टिनी हमें लगानी है। ये छोटा सा एग्जांपल हम बारी बारी से ऐसे 5 बार प्रोसेस करेंगे। देखिए यूनिवर्सल ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपको मदद कर रही है और आपके सपने को साकार करने के लिए, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है उस आई क्लाउड को आपके अंदर डाउनलोड करने के लिए। जो पहली ख्वाहिश है हैशटैग के पीछे आपने लगा दिया है,
सब अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हैशटैग के पीछे पहली चॉइस को लगाकर ईश्वर से ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं, उसी आई क्लाउड को अपने अंदर डाउनलोड होता हुआ देखिए। बार बार हम चैंट भी कर सकते हैं हैशटैग, फॉर एग्जांपल हेल्थ है तो हैशटैग हेल्थ, हैशटैग हेल्थ, हैशटैग हेल्थ। आपकी जो भी डेस्टिनी है उसको बार बार आप चैंट करके विजुलाइज करके फाइनल रिजल्ट को पाते हुए देखिए। और जैसे ही पहला सपना आपका पूरा हो चुका है, हैशटैग थैंक्स, इसी प्रेफरेंस के लिस्ट में सेकंड चॉइस जो आपको दूसरी चीज जो चाहिए उसके बारे में सोचिए और आगे हैशटैग लगा दीजिए। आपका जो भी वर्ड हो उसके आगे हैशटैग को बोलकर 5-10 बार चैंट करते हुए विजुलाइज करें, यूनिवर्सल आई क्लाउड से इजीली डाउनलोड हो रहा है आपके जीवन में, वो सिचुएशन बन पा रही है, वो जो असंभव लग रही थी वो घड़ी आ चुकी है। जिसके लिए आपको लग रहा था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं नसीब में है कि नहीं, वो सब बातें को छोड़ के ओनली हैशटैग, हैशटैग, हैशटैग के पीछे आपको जो चाहिए वो लगा सकते हैं। जैसे ही आपका पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है, फाइनल डेस्टिनी आपने विजुलाइज कर ली है, मानो हैशटैग एक मिरेकल आपके जीवन में ला रहा है, अब ये आपकी आदत बन चुकी है, अब तीसरी पॉइंट पे आपके जीवन में प्रेफरेंस में लिस्ट में तीसरी जो भी आइटम है, जो भी चीज है, जो सपना है, वो तीसरे सपने को पूरा करने के लिए फिर से तैयार और हैशटैग पीछे जो चाहिए, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, घर जमीन मकान, जो भी चाहिए, spirituality, God, Guru, blessings, abundance, surrender. You can choose your world. You can choose your destiny.
और हैशटैग के पीछे आपका डिजायर का वर्ड लगा के 5 बार चैंट कर सकते हो। और देखिए इस यूनिवर्स में अनगिनत आई क्लाउड है, उसमें से आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी मैचिंग है वो आई क्लाउड आपके अंदर इजीली डाउनलोड हो रहा है। इजीली आपके जीवन में वो सिचुएशन बन पा रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो ही फ्रीक्वेंसी को, हैशटैग लगा के बहुत ही क्विकली मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है, सभी गुरु देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको वरदान दे रहे हैं। थैंक यू कहते हुए आपकी लिस्ट में आगे की और जो भी डिजायर है इसका विजुलाइज करें, हैशटैग लगाते हुए यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए इजीली डाउनलोड करते हुए विजुलाइज करें आपकी चौथी जो भी डिजायर है, प्रेफरेंस है, हैशटैग लगाते हुए चैंट करते रहिए, बोलते रहिए, ब्रह्मांड में इसी फ्रीक्वेंसी को फैलने दीजिए और वो ही फ्रीक्वेंसी क्या है क्लाउड आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और आपको एक नया सा एक्सपीरियंस मिल रहा है। डेस्टिनी को देखते हुए एंड रिजल्ट को देखते हुए धन्यवाद करते हुए लास्ट जो आपका 5वां वरदान है इसको भी हम लेने के लिए तैयार। ओपन कर दीजिए अपने माइंड को, हैशटैग लगाकर एंड रिजल्ट को लगाकर यूनिवर्सल आई क्लाउड से जुड़कर डाउनलोड करते हुए विजुलाइज करते हुए देखिए आपका ये सपना भी पूरा हो चुका है एंड रिजल्ट आपके हाथ में है जो आपको इतना इजी नहीं लग रहा था आज पूरा हो चुका है। इसी जीवन को आप जी पा रहे हो, बहुत ही प्यारा सा यूनिवर्स की एनर्जी, अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड फ्रीक्वेंसी
आपसे जुड़ने के लिए तैयार है आपकी फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी हम छोड़ेंगे उसी फ्रीक्वेंसी को हम कनेक्ट कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। सो पांच वरदान हमारे पूरे हो चुके हैं, आइए हम सब साथ मिलकर हैशटैग सरेंडर करते हैं। हैशटैग सरेंडर, हैशटैग सरेंडर, हैशटैग सरेंडर, हैशटैग सरेंडर, हैशटैग सरेंडर। और देखिए पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने भी अपने गुरु देवी देवता को सरेंडर किया है उनका एक बड़ा सा एक क्लाउड है, सरेंडर भाव है, वो भाव का एक क्लाउड, वो फ्रीक्वेंसी से आज हम जुड़ चुके हैं। सरेंडर का भाव स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग सरेंडर, हैशटैग सरेंडर, हैशटैग सरेंडर। हैशटैग सरेंडर, और देखिए अनुभव करें वही सरेंडर भाव। आई क्लाउड की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो चुका है और हम सब में वो सरेंडर भाव डाउनलोड हो चुका है। जो सरेंडर भाव स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है, जो आज तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो एक्सपीरियंस भी हम सरेंडर भाव से कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के इसी आई क्लाउड से हम जुड़ चुके हैं जिसमें बड़े बड़े दिव्य आत्माओं ने सरेंडर कर अनेकों सिद्धियां प्राप्त की है, अनेकों ऊंचे लेवल पर आध्यात्मिकता में पहुंचे हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन सिर्फ हैशटैग सरेंडर से हम उस आईक्लाउड से जुड़ सकते हैं, जुड़ गए हैं। हैशटैग सरेंडर, हैशटैग सरेंडर, हैशटैग सरेंडर, पूरी तरह से सरेंडर, हृदय से सरेंडर। मन से सरेंडर, समर्पण, बिना कोई तर्क, बिना कोई आर्ग्यूमेंट, सरेंडर एंड समर्पण। और देखिए आपका एक्सपीरियंस, आपके अंदर उठने वाले भाव की तरंग फ्रीक्वेंसी जो आज तक हमने महसूस नहीं की, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को आज सिर्फ हैशटैग लगाकर हम पा सकते हैं। वाइट क्लाउड से हम जुड़ चुके हैं,
बार बार डेली इसी एक्सपीरियंस को ताजा रखेंगे। आइए हम प्राण लेते हैं, हर रोज हम सोने से पहले हैशटैग के पीछे पॉजिटिव वर्ड्स लगाकर ब्रह्मांड के यूनिवर्स के आईक्लाउड से कनेक्ट होते होते हम गहरी नींद में डेल्टा में जाएंगे, ताकि यूनिवर्स हाई क्लाउड हमारे अंदर सुबह तक सब डाउनलोड कर पाए, इजीली डाउनलोड कर पाए। हैशटैग अबंडेंस, हैशटैग ब्लेसिंग्स, हैशटैग मिरेकल, हैशटैग स्पिरिचुअलिटी, हैशटैग मेडिटेशन, हैशटैग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और बहुत कुछ। हम लगा सकते हैं अपने आप को खुशकिस्मत मानते हुए, देखिए आपको कितना प्यारा वरदान मिल चुका है, आपको कितना गहरा सिंबल मिल चुका है। इस सिंबल का आज ईश्वर ने, यूनिवर्स ने शक्तिपात किया है, क्योंकि अब हैशटैग शक्तिपात, हैशटैग अट्यूनमेंट, और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस ब्रह्मांड की शक्ति को, फ्रीक्वेंसी को हमसे जुड़ता हुआ। बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस। धन्यवाद करते हुए बहुत ही खुशी के साथ सभी देवी देवताओं का आभार व्यक्त करते हुए, साईं सर बाबा माँ की शक्ति का धन्यवाद करते हुए, पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे हम इस प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, आप सबने मेडिटेशन में सहयोग दिया, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, कल फिर से मिलते हैं। अच्छा, उषा जी।